अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इल्मे सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल, तो मैं हूं आपका होस्ट सजाद हुसैन लाशैन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि काइंडली आप जो न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो आज की जो अहम बात है हम वो करने जा रहे हैं। मैंने सोचा, काफ़ी सारे लोग थे, कमेंट्स कर रहे थे, सर हमारे लिए ये वीडियो बनाए, हमारे लिए ये। तो टाइम जो है बहुत शॉर्ट है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते। तो मैंने सोचा अभी टाइम थोड़ा मिला तो मैंने सोचा अभी वीडियो बना लूँ। तो आज जो है गर्ल्स हॉस्टल के हवाले से बात कर रहे हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल जो है प्राइवेट है, वैसे तो सिंध यूनिवर्सिटी में थी मारवी हॉस्टल गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी बहुत सारी थी। मैंने वीडियो अपलोड किया था गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। तो कुछ गर्ल्स थी जो बोल रही थी कि सर हमें जो है हैदराबाद में जो है ना प्राइवेट हॉस्टल चाहिए, हम आउटवेक करेंगे डेली बेसिस पे। और कुछ बॉयज़ भी थे, बॉयज़ के लिए भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा वीडियो। अभी जो है गर्ल्स के हवाले से है, हॉस्टल का नाम है फातिमा गर्ल्स हॉस्टल। ये जो है ये जो फैसिलिटीज़ लिखी हुई हैं, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और स्टैंड जनरेटर, यूपीएस, 3 टाइम्स मील, डेली रूम सर्विस, इंडिविजुअल लॉकर, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, डाइनिंग एरिया, टीवी लाउंज, फ्रिज, आयरन, सीजर, वाशिंग एंड सिंक मशीन, लग्जरी रूम्स, अटैच्ड बाथरूम्स, ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट पॉइंट्स अवेलेबल ऑन द गेट। अच्छा, तो इसमें हॉस्टल के हवाले से बताया जा रहा है कि वाईफाई जो है वो भी है, फैसिलिटीज़ बताई जाती हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्टल में है, इलेक्ट्रिसिटी बताई जा रही है, उसके बाद यूपीएस है, जनरेटर है, अगर बिजली चली जाती है तो यूपीएस चला लेते हैं और जनरेटर चला लेते हैं। और एक दिन में आपको 3 दफ़ा मील मिलेगी, रोटी का सिस्टम जो खाने का बंदोबस्त है 3 टाइम्स। डेली रूम सर्विस, सफाई के हवाले से डेली रूम सर्विस होती है मॉर्निंग में। उसके बाद जो है इंडिविजुअल लॉकर, हर किसी के पास अलग लॉकर होगा जिसमें अपने सामान रखे, कपड़े हो गए, पर्सनल सामान हो गया, कुछ भी हो गया। उसके बाद सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम है, सीसीटीवी कैमराज लगी हुई हैं। अक्सर गर्ल्स के साथ बहुत इश्यू होते हैं, तो ये जो है सिक्योरिटी बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। उसके बाद डाइनिंग एरियाज है, टीवी लॉन्च है, जहाँ पे मान रोटी खाएंगे आप, उधर वो अलग एरिया होगा, टीवी लॉन्च अलग होगा और फ्रिज हो गई, आयरन, सीजर, ये फैसिलिटीज़ आपके लिए बहुत सारी हैं। सो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, 3 नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, आप पूछ सकते हैं इसका जो रेंट है क्या प्रोसेस है। बंगलो नंबर B22 अली पैलेस बे एंड शम्स आइकन कासिमाबाद हैदराबाद। ये जो हॉस्टल है वो अली पैलेस के नियर ही है कासिमाबाद हैदराबाद में। तो जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इनसे रब्ता करें और उनसे पूछें क्या प्रोसेस है।